नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर रोमन लैंग्वेज। रोमन लैंग्वेज चैप्टर सीखेंगे हम और इसका प्रयोग होता है वर्ड्स को बनाने के लिए कि इंग्लिश में वर्ड्स कैसे बनाएं। तो वर्ड्स बनाने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि हिंदी की जो अल्फाबेट है उसको इंग्लिश में लिखने के लिए हम कौन कौन से लेटर्स का यूज कर सकते हैं। तो हिंदी अल्फाबेट पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसोनेंट। कंसोनेंट मतलब व्यंजन। तो हिंदी के जो व्यंजन हैं क से लेकर और ज्ञ तक हैं, और इनको इंग्लिश में बनाने के लिए हम कौन से लेटर्स का यूज कर सकते हैं वो आज हम सीखेंगे। ये बच्चों जितने भी व्यंजन लिखे हुए हैं इन सब व्यंजन के नीचे हलंत लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। हलंत लगने का मतलब है ये सारे के सारे जो वर्ण हैं वो बिना स्वर के हैं, इनके अंदर स्वर नहीं है, इसलिए इनमें किसी भी वर्ण में आप देखो किसी भी लेटर के साथ ए नहीं लगा हुआ है, क्योंकि ए लगने से उसमें अ या आ की मात्रा लग जाएगी। तो जो बिना स्वर का क क है इसको क को लिखेंगे के, ख को लिखेंगे के एच, ग को लिखेंगे जी, घ को लिखेंगे जी एच, अंग को लिखेंगे एन, च सी एच, छ सी डबल एच, ज जे, झ जे एच, अंग एन, त पी, ठ टी एच, द डी, ढ डी एच, अण एन, त टी, ठ टी एच, द डी, ध डी एच, न एन। ये ट और त दोनों लाइन आपको सेम दिखाई दे रही होगी, क्योंकि त और त दोनों को ही टी लिखा जाएगा, ठ और थ दोनों को ही टी एच लिखा जाएगा, ड और द दोनों को ही डी लिखा जाएगा, और ढ और ध दोनों को ही डी एच लिखा जाएगा। आगे चलते हैं प पी, फ, फ को हम पी एच भी लिख सकते हैं और एफ भी, ब बी, भ बी एच, म एम। इसी प्रकार य वाय, र आर, ल एल, व, व को हम वी भी लिख सकते हैं और डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, श एफ एच, श एफ एच, श से शलगम को भी एस एच लिखना है और श से षटकोण को भी एस एच लिखना है, स एस ह एच, श, श जो है वो क और श से मिलकर बना है, इसलिए क का तो के और श का एस एच मिलकर बन गया श। ऐसे त्र, त्र भी दो लेटर से मिलकर बना है, त और र, तो त का टी और र का आर दोनों मिलके टी आर बन गया त्र। इसी प्रकार ग्य, ग्य भी दो वर्णों से मिलकर बना है, ग और य, तो ग का जी और य का वाई मिलकर बन गया जी वाई ग्य। और जो ये श्र है वो श्र है एस एच आर, क्योंकि ये भी श और र से मिलकर बना है, तो एस एच आर बन गया श्र। ये तो थे कंसोनेंट। इसी प्रकार हमें वोवल, वोवल मतलब स्वर भी पढ़ने हैं। जब इन अल्फाबेट्स में, इन वर्ण में हम मात्रा लगा देंगे, इनमें से कोई भी अ से लेकर अह तक जो मात्रा लगा देंगे, तो मात्रा लगाने के लिए इंग्लिश में हमें कौन से लेटर्स यूज करने हैं ये भी हमें कॉपी में लिखने हैं। अ ए, आ ए, ई आई, ई डबल ई, उ यू, ऊ डबल ओ, ए ई, आई ए आई, ओ ओ, औ ए यू, अं ए एन, अह ए एच, और जो ऋषि बीच में छूट गया है उस ऋषि की ऋषि को लिखने के लिए हम किसका यूज करेंगे, आर आई री। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आपको कॉपी में कंसोनेंट भी लिखने हैं और वोवल भी लिखने हैं। कल हम इनसे शब्द बनाना सीखेंगे। थैंक यू।